नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लाल बाबू कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जेल में किस तरह का खाना मिलता है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में खाने में अगर नमक की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है तो वो बात बात पे बिगड़ जाते हैं, भड़क जाते हैं और खाना को फेंक देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खाना की कदर करना सीख जाएंगे। इस वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि जेल में जो किस तरह का खाना मिलता है, जेल में जो प्रिजनर होते हैं, बंदी होते हैं, उनको किस तरह का खाना दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेल में एक टाइम का ब्रेकफास्ट और दो टाइम का खाना दिया जाता है। ब्रेकफास्ट में आपको चाय दिया जाएगा और चाय के साथ उबला हुआ चना दिया जाता है। चना जो होता है वो उबला हुआ होता है, इसीलिए स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा लाभकारी होता है। जेल में जो चाय मिलता है उसमें ढूंढने पर भी आपको दूध देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सरकारी चाय होता है। अब हम बात करते हैं कि खाना किस तरह से मिलता है। तो जेल में जो दोपहर का खाना होता है वो 11:30 बजे से लेकर के और 12 बजे के बीच मिलता है। उस खाने में आपको 4 रोटियां, कुछ चावल, कुछ दाल और आलू और मूली की सब्जियां दी जाती है। जेल में जो दालें दी जाती है वो एकदम खाने लायक नहीं होती है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि सरकारी दाल है, सरकारी दाल में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। दाल को आप कुछ देर तक छोड़ देंगे तो वो खाने योग्य हो जाता है, क्योंकि उसमें जो मुख्य दालें होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो शेष दाल रहता है वो पानी के रूप में ऊपर आ जाता है, उसको आप फेंक देंगे तो खाने योग्य फिर नीचे वाला दाल बन जाता है। अगर हम सब्जी की बात करें तो सब्जी में आलू की सब्जी खाने लायक होती है, अच्छी खासी होती है, लेकिन मूली की सब्जी खाने लायक बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब डॉक्टर जिस तरह का खाना प्रिस्क्राइब्ड करते हैं अपने मरीजों को खाने के लिए, रोगियों को खाने के लिए, उसी तरह का खाना जेल में मिलता है। क्योंकि जेल में मिलने वाले खाने में जो है तेल नहीं डाला जाता है, मिर्च नहीं डाला जाता है, इसलिए स्वास्थ्यकारी खाना होता है। बीमार आप कम पड़ेंगे, अगर आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो वो एकदम दूर हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जेल से निकलने के बाद काफ़ी हष्टपुष्ट और मोटे हो जाते हैं, तो उनको जेल का खाना जो है लग जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे खाना की बात। तो जेल में शाम का खाना जो है वो 4 बजे से 5 बजे के बीच आ जाता है, जिसमें 6 रोटियां, कुछ दाल, आलू और मूली की सब्जियां दी जाती है। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं शाम में 4 से 5 बजे के बीच ही खाना को खा लेते हैं, क्योंकि उस समय खाना जो है काफ़ी गर्म होता है। लेकिन बहुत सारे लोग खाना 8 से 9 बजे के बीच रात में खाते हैं, उस समय खाना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ठंडा खाना खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि किस तरह से जेल में खाना दिया जाता है। जेल में जो खाना होता है उसको खाने के बाद आपको बाहर की खाना की याद बहुत ज़्यादा आती है, कि बाहर हम किस तरह से अच्छे खासे खाने को फेंक दिया करते थे, उसकी कदर नहीं करते थे। तो जेल में खाना जो मिलता है उसको खाने के बाद आप बाहर के की जो खाना होती है उसको कदर करना सीख जाएंगे। काफ़ी सारे लोग जेल में जो बंदी होते हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो अपने साथ जो है सब्जी खरीद ला जाते हैं, आलू, बैंगन, टमाटर, ये सब खरीद करके ले जाते हैं और फिर उन बंदी को पहुंचा देते हैं, देते हैं, तो उनके लिए वो अच्छा खाना हो सकता है। इसके अतिरिक्त जेल में अगर आप दही, मक्खन, ये सब खरीदना चाहे तो वो भी वहाँ पे मिल जाता है। अगर बाहर से आपको कोई मिलने आता है, आपको कुछ पैसे दे जाता है, तो उस पैसों को आप कूपन में चेंज कर सकते हैं और कूपन में चेंज करके जेल के अंदर ही मक्खन, दही, ये सब खरीद कर खा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका खाना जो है और ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है और खाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जेल में जो होता है चटनी बनाने के लिए और कोई चीज़ नहीं होता है, आपको जो चाय पीने के लिए जो ग्लास दिया जाता है उसी में आप चटनी पी सकते हैं। आपको पानी पीने की बॉटल जो होती है उसको पानी से भर देंगे और बॉटल का ढक्कन बंद करके और उसी ग्लास में पीस करके चटनी को आसानी से बना करके खा सकते हैं। चटनी खाने से क्या होता है, आपका खाना जो है बहुत ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि जेल में किस तरह का खाना मिलता है, तो आप बाहर के खाने की कदर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।